fragile space in a single sail. White Rocky Island. Hello दोस्तों, welcome back to the channel. उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे. Saturday की evening है, around 4:30 हो गए हैं और आज हम barbecue करने वाले हैं. इस सीजन का ये पहला बारबेक्यू होगा. लास्ट वीकेंड ही सोचा था बट बारिश हो गई थी इसलिए नहीं हो पाया. तो आज खूब सारी सब्जियां लेके आए हैं कॉस्को से. मोस्टली हम वेजीज के बनाएंगे और थोड़ा बहुत चिकन कर दूंगी बच्चों के लिए. यहाँ पे हैं छोटे वाले आलू, गोभी, ब्रोकली, पेपर्स, स्वीट पोटैटो, जुकिनी, मशरूम, एस्पेरेगस और केयूष का फेवरेट अच्छा. यहाँ पे सारा फैला हुआ है क्योंकि ग्रोसरीज लेके आए थे. और बहुत टाइम से बोल रही थी ना कि भरता भी बनाना है तो बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे ही, तो भरता भी भून के रख लूंगी, कल के लिए हो जाएगा. वैसे मैं अवन में भी बना लेती हूँ और कभी कभी इंस्टेंट बनाना होता है ना तो प्रेशर कुक कर लेती हूँ इंस्टेंट पॉट में. मम्मी पापा ना कच्चा वाला खाते हैं भरता. यूपी बिहार में ना बहुत ज्यादा फेमस है बैगन का चोखा या आलू का चोखा. उसमें बैगन को रोस्ट करने के बाद भूनते नहीं है, लाइक प्याज टमाटर का तड़का नहीं लगाते हैं. कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, खूब सारा धनिया, मिर्ची और कच्चा सरसों का तेल ऊपर से डालते हैं बैगन के चोखे में, बहुत टेस्टी लगता है. जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी रेडी कर लिया है और अब सारी सब्जियों को अच्छे से धो लेंगे और सुखा लेंगे. भींगा हुआ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर रहेगा ना तो फिर मजेदार नहीं बनता. बहुत ही ज्यादा गर्मी है, धोना सुखाना हो गया. अब इसकी चॉपिंग स्टार्ट करते हैं. और जब भी बारबेक्यू के लिए सब्जियां कट करते हैं ना या फिर चिकन भी कट करते हैं तो बहुत छोटे पीसेस नहीं करने चाहिए, बिग बिग रखने चाहिए पीसेस को, ताकि उसको ज्यादा टाइम लगे बारबेक्यू में कुक होने के लिए. क्योंकि जितना लंबा टाइम लगेगा वो अंदर तक अच्छे से कुक होगा और बाहर तभी क्रिस्पी हो पाएगा और ज्यादा फ्लेवरफुल होगा. और पेपर्स के अगर ये वाले स्टिक भी रख लेना तो अच्छा रहता है. जब टर्न करते हैं ना बारबेक्यू में तो इजी रहता है टर्न करना. गोभी और ब्रोकली कॉस्को से लेके आई थी ना, तो ऐसे ही छोटे छोटे फ्लोरेट्स ना इसके कटे हुए ही रहते हैं, ये साइज होती है, तो ये परफेक्ट है, इसको कट करने की भी जरूरत नहीं है. बेबी पोटैटोज है ना, इनको थोड़ा सा फोर्क से पोक कर दिया है. वैसे थोड़ा सा इसको अगर बॉईल कर लो ना, लाइक 50% बॉईल कर लो और उसके बाद बारबेक्यू करो, तो उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है. क्योंकि अंदर से तो वो बॉईल हो चुका होता है और बाहर से वो क्रिस्पी क्रिस्पी वाली फीलिंग. बट अभी के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, वैसे भी ज्यादा आलू डाल नहीं रही हूँ. सुबह आलू के पराठे ऑलरेडी बन चुके हैं तो आज के लिए आलू का इंटेक काफी हो चुका है. वैसे जरूरी नहीं है कि वेजीज बेक करने के लिए बारबेक्यू होना ही चाहिए. आप नॉर्मल ओवन में भी बेक करोगे ना, बहुत टेस्टी लगता है. मैंने आलू को भी बनाया था ना, जो बेक करके इतना ज्यादा यम लग रहा था. उसमें अलग से मसाले डाल के, लाइक इंडियन स्पाइसेस ना डाल के, नॉर्मल ऑलिव ऑयल और मिक्स्ड हर्ब्स, सारे डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स डाल के बनाओ तो फिर थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है. ये हमारा ब्यूटीफुल सा रेनबो बोल रेडी हो गया है बारबेक्यू में जाने के लिए. अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, फ्लेवर का मैजिक भी तो ऐड करना है, पर बहुत ज्यादा मसाले अभी नहीं डालेंगे. मैरिनेशन जो बनाऊंगी वो बाद में ऐड करूंगी. जैसे सैलेड की ड्रेसिंग होती है ना, वैसे ही बारबेक्यू ड्रेसिंग हम ऐड करेंगे बट बारबेक्यू होने के बाद. तो ये काफी सारा हो गया है तो दो बोल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ ताकि जो ऑयल और स्पाइसेस डालेंगे ना फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो पाए. सबसे पहले सॉल्ट, सॉल्ट ऐड कर दिया है, फिर ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर. इस अनियन पाउडर की ना खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा ऐड करो, उसी से फ्लेवर और खुशबू दोनों ही आ जाते. खूब सारा मिक्स्ड हर्ब,
या फिर सिंपली ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। जब भी मैं ऐसे शेक शेक करती हूँ ना, मुझे एक इंसिडेंस याद आ जाता है बहुत पहले का, शायद मैंने शेयर भी किया हुआ आप लोगों के साथ। नानाइमो में लंच बॉक्स बना रही थी मैं मॉर्निंग में, और ये वाले जो होते हैं इटालियन हर्ब्स, इसके दो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, एक होल वाला और एक पूरा ओपन होता है। तो गलती से पास्ता बना रही थी शायद, ये डालने के लिए मैंने ये होल वाला ओपन ना करके, और मॉर्निंग में नींद होगी आंखों में, पूरा ओपन वाला मैंने खोल के और डाल दिया पूरा, इतना सारा गिर गया। फिर ऊपर ऊपर से मैंने निकाला। मुझे बताना किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। बस देखो, उस टाइम पे वो परेशानी की बात थी, और अब उसके बारे में सोच के हम हंस रहे हैं। यही होता है। पेपर, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में ऑलिव ऑयल ऐड किया है, नमक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, काजुन स्पाइसेस मिलते हैं तो आज मैं ये वाला ऐड कर रही हूँ, और पैप्रिका पाउडर अच्छे से कलर के लिए, कश्मीरी चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैरिनेशन हो चुका है, सैलेड की तैयारी कर लेते हैं, ड्रेसिंग की तैयारी कर लेते हैं, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद अनुज टेक ओवर करेंगे, और तब तक ये जो पूरा फैलाया हुआ है मैंने, इसको भी साफ कर लेते हैं ताकि आराम से बैठ के खाया जाए, है ना, खाने को इंजॉय किया जाए। अगर फैला हुआ किचन हो तो खाने में भी ना मजा नहीं आता, क्योंकि माइंड में घूमता रहता है, ओहो खाना खाने के बाद फिर से किचन क्लीन करना पड़ेगा, है ना। सैलेड में मैं डाल रही हूँ ग्रीक योगर्ट, और एक दो चम्मच मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। ये मैं कॉस्को से लेके आई थी मेयोनीज, एवोकाडो ऑयल पेस्ट है। नींबू का रस और थोड़ी सी काली मिर्च। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें सिर्फ पर्पल कैबेज ऐड किया है, आप ग्रीन कैबेज भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट ग्रीन कैबेज ऐड करते हैं, बट मैं था नहीं तो मैंने बस पर्पल ही ऐड किया। ओके, ऑल डन। कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना सारा टाइम लग रहा है तैयारी करने में, बनेगा फटाफट वही के वही, खत्म। अब बस लास्ट में बनाना है ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग के लिए खूब सारा नींबू का रस। सैलड की ड्रेसिंग होती है ना, वैसे वाली ही है जो ऑलिव ऑयल के साथ बनाते हैं। जितना नींबू का रस उतना ही ऑलिव ऑयल। मैंने यहाँ पे अराउंड 1/3 कप लिया है। चिली फ्लेक्स, नमक, थोड़ी सी चीनी खटास को बैलेंस करने के लिए, और मिक्स हर्ब, थोड़ा सा गार्लिक और पेपर। फिर इसको करेंगे शेक शेक शेक। हो गया हमारा ड्रेसिंग रेडी। सेकंड हैंड आई फेल्ट अ बिट फॉरगॉटन, नॉट योर प्लान बट नाउ द डेज ऑफ साइलेंस आउटग्रो द फन things we have done, but tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow. Barbecue abhi start bhi nahi hua hai aur hamare guest pehle hi aake baith gaye hain intezar mein. Intezar pe abhi to chalu hi nahi hua, abhi start hi nahi hua hai. Ye aa gaye hamare chef, main to assistant hu aaj. चॉपिंग कटिंग सब कर दी है, पर हमारे शेफ क्लीन भी करते हैं, क्या करे, करना पड़ता है। चलो शुरू हो जाओ। शुरुआत हो रही है कॉर्न के साथ। लाइट्स भी चला दिए हैं, बट दो लाइट्स वहाँ पे फ्यूज हो गए हैं। अब बेचारा स्नो में ये दो ही फ्यूज हुए हैं, वही बहुत है। नहीं, वो व्हाइट वाले पहले के थे, है ना, जो हमने लास्ट ईयर लगाए हैं वो येलो लाइट्स हैं,
और जो व्हाइट लाइट्स है ना वो ऑलरेडी पहले के लगे हुए थे, फिर भी उसमें वो तो कितने सालों से स्नो को झेल रहे हैं ना। बैगन को ना हल्का सा कट लगा लिया है और उस कट के अंदर ऐसे गार्लिक ऐड कर दूंगी, वो भी साथ में रोस्ट हो जाएगा ना, बहुत टेस्टी लगता है। वेटिंग बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बट इतना ज्यादा गर्म है कि मुंह जल जाएगा, पर वेट नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। थोड़ा सा टेस्ट करके देखा मैंने गोभी और मशरूम, इतना यम लग रहा है, मजेदार, अच्छा लग रहा है। ब्रोकली, गोभी, मशरूम, कितना सुंदर लग रहा है प्लेट है। अभी बहुत ज्यादा गर्म होगा इसलिए वेट। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा सुपर डुपर हॉट है। नींबू लगा के और मजेदार लगता है ना, खट्टा खट्टा। फाइनली हमारे शेफ जी को भी टाइम मिल गया खाने का। कैसा बनाया मैंने? बहुत बढ़िया। दोनों मिलके टीम वर्क, टीम वर्क। गुड जॉब बोथ ऑफ अस, गुड जॉब। बट एक चीज मुझे ना बारबेक्यू की अच्छी नहीं लगती है, सफाई भी बहुत करनी पड़ती है और आराम से बैठ के आप नहीं खा सकते हो, लाइक बन रहा है खा रहे हो, ठीक है उसका फन अलग है, बट समहाउ टायरिंग ही हो जाता है। लगता है कि अरे हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बट काफी कुछ हो जाता है। चलो ठीक है, साफ सफाई तो करेंगे, पहले थोड़ा झूला झूल लिया जाए। द बेस्ट पार्ट यही लगता है मुझे, एक्चुअली ट्रीज है ना पूरा ऊपर में, तो दिन में भी जब पूरी धूप होती है तो सनी नहीं होता, इतना ज़्यादा धूप चेहरे पे नहीं पड़ता, आराम से यहाँ पे पेड़ के छाँव में ठंडी ठंडी हवा लेते हुए दुनिया के सारे गम भुला के कुछ पल गुजारने के लिए जो जगह है ना वो यही है, बस यही है। वैसे तो सैटरडे मॉर्निंग इतना बिजी नहीं होता, बट आज का सैटरडे बहुत ज़्यादा बिजी था मॉर्निंग टाइम, इसलिए मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया। तो मम्मी की आयरन थेरेपी थी, जब हेमोग्लोबिन काफ़ी कम होता है ना तो कभी कभी आयरन की कमी से भी कम होता है, तो अभी सर्जरी से पहले सारा कुछ प्रेप वर्क वो करके रख रहे हैं ताकि कोई सरप्राइजेस ना मिले। तो आयरन थेरेपी होती है जो वेन के थ्रू आयरन देते हैं, तो 2 घंटे लगते हैं उसको, धीरे धीरे चलाते हैं ना, तो 3 सिटिंग होनी है, एक हो गई है आज, एक था और फिर नेक्स्ट सैटरडे। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, अब 2 घंटे कुछ करने को तो था नहीं, तो अच्छी सी ना धूप आ रही थी और पूरा ग्लास विंडो था बड़ा सा, वहीं पे बैठी हुई थी, बाहर का नज़ारा भी दिख रहा था, लोग आते जाते दिख रहे थे और कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो आराम से मैं बैठ के वहीं पे मैं प्लान कर रही थी कि आज डिनर में कुछ करते हैं स्पेशल, तो फिर ध्यान आया कि बारबेक्यू करते हैं, तो तभी मैंने सर्च वर्च किया कि अच्छा क्या क्या वेजीज ले सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट्स थे, तो उनको देख के ना मतलब ये लगता है कि उनको प्रॉब्लम है, वो व्हीलचेयर पे है, बट जल्दी ना यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, ट्राई करते हैं कि इंडिपेंडेंटली मैनेज करें जब तक मैनेज हो सकता है, और इतना हंस के सबसे बात करें, नर्स से बात करें, नर्स लोग भी क्योंकि वो ओल्ड एज के हैं तो कोई साथ में अगर नहीं है तो नर्स लोग भी बहुत अच्छे से बात करते हैं कि मॉर्निंग से क्या किया, नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, वीकेंड में क्या करने वाले हो, तो बिल्कुल घर वालों के जैसे। तो ऐसे देख के ना काफ़ी वो इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि देखो कितनी तकलीफ़ है, ठीक से चल भी नहीं पा रहे बट फिर भी हंस रहे हैं, जो अभी का मोमेंट है उसको एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जाओ तो अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है, बट समहाउ मुझे यहाँ के हॉस्पिटल में जाके ना वो नेगेटिविटी वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि सारे काफ़ी मतलब स्माइल हमेशा, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पेशेंट हो, सबके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, तो
अच्छा लगता है, मतलब वो काफी इंस्पायरिंग लगता है कि जो है जितना है, अभी का तो पल है ना, मुस्कुराओ फिर आगे की आगे देखी जाएगी। आज है नेक्स्ट डे, संडे इवनिंग, व्लॉग की एंडिंग रह गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।